नमस्ते, कुक विद नीलम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम काला जामुन बनाएंगे। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक चम्मच सूजी, चुटकी भर बेकिंग पाउडर, चुटकी भर रेड फूड कलर, 1/4 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच पिस्ता, 1/4 कप मैदा, चांदी का वर्क, 180 ग्राम पनीर, 250 ग्राम मावा, 2 कप चीनी, तलने के लिए घी। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। भगोने में 2 कप चीनी डालेंगे, 2 कप पानी डालेंगे, इसे 3-4 मिनट पकाएंगे। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब हम नींबू का रस डालेंगे। हमारी चाशनी तैयार है। हमें थोड़ी पतली चाशनी रखनी है। अब हम पनीर को कद्दूकस करेंगे। हमने इसके लिए पैकेट वाला पनीर लिया है, इससे काला जामुन अच्छे बनते हैं। हमने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे मैश करेंगे। हमने पनीर को अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम मावे को मैश करेंगे। इसे हथेली से दबाते हुए अच्छी तरह मैश करेंगे। हमने मावे को भी मैश कर लिया है। अब हम पनीर मिलाएंगे, मैदा मिलाएंगे, सूजी मिलाएंगे, इलायची पाउडर मिलाएंगे, बेकिंग पाउडर मिलाएंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाते हुए मिक्स करेंगे। हमारा काला जामुन का डो तैयार है। अब इसमें से 2 चम्मच अलग करेंगे। इसमें ऑरेंज रेड फूड कलर मिलाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा इलायची पाउडर मिलाएंगे। हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम डो लेंगे, इसकी बॉल बनाएंगे, इसमें फिलिंग रखेंगे। और इसको लंबा आकार देंगे। इसी तरह हम सारे काला जामुन बनाएंगे। हमने सारे काला जामुन बना लिए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। गैस को धीमी रखेंगे और एक एक करके काला जामुन इसमें डालेंगे। शुरू में हम इस तरह से हिलाते हुए सेकेंगे, फिर इन्हें हल्के हाथों से पलटेंगे। हमारे काला जामुन सिक गए हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें एक एक करके चाशनी में डालेंगे। इसी तरह बाकी के काला जामुन भी सेकेंगे। इन्हें भी चाशनी में डालेंगे। अब इन्हें चाशनी में 4-5 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे। 4-5 घंटे हो गए हैं। हम काला जामुन को चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। हमारे काला जामुन तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।